और यहाँ पर नाश्ता बन रहा है। सालन मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, आटा निकाल लिया फ्रिज में से और चाय बस बनने वाली है। आज संडे और टाइम हो रहा है इस टाइम 9:25। अब मैं सबसे पहले अपने लिए चाय निकालूंगी क्योंकि सुबह उठते ही मुझे चाय पीने की आदत है, मॉर्निंग टी मेरी। उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी। बच्चे उठ गए हैं, बस मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं, वो भी उठ जाएंगे। नाश्ता बनाएंगे और नाश्ता करेंगे और देखते हैं आज की क्या रूटीन है। जो भी रूटीन होगी तो वो आपसे शेयर करेंगे। चाय पीती हूँ फिर आपसे मिलती। आयशा क्या कर रही है? मेरा बच्चा क्या कर रही है? पढ़ रही हो? और यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ रात के होटल वाले नान जो होते हैं वो मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। कौन कौन शौक से खाता है रात के होटल वाले नान फ्राई करके सुबह चाय के साथ, मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। हम सब शौक से खाते हैं, और अगर रात में कभी होटल वाले नान आते हैं घर में तो मैं एक्स्ट्रा मंगा लेती हूँ ताकि सुबह भी फ्राई करके चाय से खाए जाएँ। ये बहुत क्रिस्पी और मज़े के लगते हैं। इसके साथ साथ मैंने चाय वगैरह भी निकाल ली थी और हम यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। और सालन में था रात के मुर्ग छोलों का सालन, जो कि पराठे और नान से तले हुए नान से बहुत ही अच्छा लगता है। और आम भी काट लिए थे मैंने। और ये मेरी चाय, अगेन मैं चाय पी रही बना रही हूँ बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि आज इनके फादर जो हैं फादर डे स्पेशल पे इनको बाहर ले जाकर ट्रीट देंगे और हम बाहर जा रहे हैं आउटिंग के लिए। तो फिर रहिएगा मेरे साथ और देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। और बच्चों के लिए यहाँ पर मैं नगेट्स फ्राई कर रही हूँ और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ ताकि बच्चे बाहर इंजॉय करें और साथ साथ थोड़ा बहुत खा भी लें। और ये मैंने फ्रेंच फ्राइज और ज़्यादा काट के रख ली है, मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड किया है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बने। और ये नगेट्स ही मैंने डिफ्रोस्ट कर लिए हैं, ये मैं इनको फ्राई करूँगी और पैक कर लूँगी। और फादर डे पे आप क्या स्पेशल करते हैं, अपने फादर के साथ क्या करते हैं और कैसे इंजॉय करते हैं, कैसे विश करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम की ID को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें। और मुझे कोई भी क्वेश्चन करने के लिए मुझे DM करें और फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर। ये कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी बन रही हैं। अगर ये आप जो है ना फ्रेंच फ्राइज घर में बनाते हैं ना उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया करें, और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं हो ना तो आप थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं और बिल्कुल गोल्डन गोल्डन फ्राई होती है। यहाँ देखो अफान अफान। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम आए हुए हैं यहाँ पर घूमने के लिए, आउटिंग करने के लिए पार्क में। अफान आ गए हैं तैयार होकर। अफान सलाम करें। आयशा भी आ गई हैं यहाँ पर, हेलो बोले आयशा। आज फादर्स डे स्पेशल ट्रीट मिली है बच्चों को और इनके फादर लेकर आए हैं बाहर आउटिंग के लिए, क्योंकि वीकेंड भी है और यहाँ पर बहुत रश है। हमारे घर के करीब है ये पार्क, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। काफ़ी बड़ा पार्क है लेकिन बहुत रश है और वहाँ पर सारे झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम। हाँ, कहाँ पर आए हैं बेटा? कौन लेकर आया आपको? पापा। क्यों, आज क्या है? फादर डे। वेरी गुड, फादर डे की ट्रीट लेने आए हो आप। आपको गिफ्ट देना चाहिए उन्हें, दोगे? सही, चलो पापा कहाँ हैं, झूलों की तरफ चले। चलो क्राउड चेक करें कितना क्राउड है आज। चलें पहले टिकट ले लेते हैं। यहीं पे रुको, मैं आ रही हूँ। और अजान का बैठ लगे, अजान को ना जंपिंग पे नहीं जाने। वो आपके साथ जाने नहीं दे रहे। जाने दे, अजान बड़ा हो गया मेरा है। जंपिंग पे ये जो पीछे रखी दिख रही है ना आपको, पीछे इस पर सबसे छोटा बच्चा 7 साल का जा सकता है। अजान है 9 साल के। आ जाओ देखो, आ जाओ। Yeah.
रहे हैं आशा, कितना डर लग रहा है। रुको जरा, सबर करो। और यहाँ पर आ गई है मेरी बारी, क्योंकि मुझे झूलों में बैठने का बहुत शौक है। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ पर बैठने के लिए कपरिच वाले झूले में, और इतना मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम सब ने। मुझे बहुत चक्कर आया, आपको चक्कर नहीं आया? अफान को ना गुस्सा आ रहा है, इनको बैठने नहीं दिया वो कप वाले झूले में। अफान इधर आए, मजा आया, आप कुछ खाएंगे? मैंने पूरे मुंह पे केचप लगा लिया। आयशा अब घर की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि शाम भी हो गई है, अंधेरा हो रहा है, और बच्चे भी काफ़ी तंग कर रहे हैं और थक भी गए। तो ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करूँगी, काफ़ी टाइम हो गया अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। मैंने सोचा ब्लॉग यहीं पे एंड कर दूँ, क्योंकि घर पर हो सकता है लाइट ना हो, और इस दुआ के साथ ब्लॉग का एंड करूँगी कि अल्लाह ताला आपके सबके वालदैन को, जो जो मुझे देख रहे हैं सबके वालदैन को अल्लाह सलामत रखे, और सबके वालिद का साया उनके बच्चों पर तादेर कायम तो दायम रहे। और सबसे आपसे गुजारिश है कि मेरे वालिदैन वालिदैन के लिए भी दुआ कीजिएगा, और खुसूसी मेरे वालिद साहब के लिए, मेरे फादर के लिए। आज फादर डे के लिए स्पेशल फादर डे के दिन मेरे फादर के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मफ़रत फरमाए। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।